हाल ही में राजधानी दिल्ली में जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन पूरा हो गया है और इस सम्मेलन को भारत के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है जाहिर तौर पर ये भारत की बड़ी जीत है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस सम्मेलन के दौरान भारत ने तमाम तरह की घोषणाएं की तमाम तरह के निर्णय लिए गए भारत की प्रेसिडेंसी में और अब भारत की प्रेसिडेंसी के बाद साल 2024 के लिए ब्राज़ील को जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी प्रदान कर दी गई है तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा विषय है अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आई इसकी इस टी वीडियो में चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की खबर को जानने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे सम्मेलन में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर इस पूरे डिक्लेरेशन में इस पूरी बातचीत में किस तरह के डिसीजंस लिए गए किस तरह की बातें की गई इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि अब जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी वन किस तरह से हो गया है यानी कि इसका विस्तार किस तरह से हुआ है इसके अलावा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की शुरुआत की गई है उस कॉरिडोर पर भी बात करेंगे और इसके अलावा इस सम्मेलन में दूसरे अन्य तरह के जो जरूरी डिसीजन लिए गए हैं उन डिसीजंस को भी समझेंगे और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र दो से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतरराष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये पूरा जो सम्मेलन था भारत के लिहाज से इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों माना जा रहा था उस पर बात करने की कोशिश करते हैं तो जी ट्वेंटी के जो तमाम लीडर्स हैं जो तमाम नेता हैं उन्होंने एक कॉमन जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है यानी कि एक संयुक्त विज्ञप्ति पर सहमति जाहिर की है जिस पूरी स्टेटमेंट को कम्युनिको को हम जी ट्वेंटी नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन के नाम से जानेंगे तो इस पूरे डिक्लेरेशन को इस पूरी विज्ञप्ति को भारत के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि इस सम्मेलन के शुरुआत से पहले कई जानकार कई एक्सपर्ट ये बता रहे थे कि अगर इस सम्मेलन को सही ढंग से पूरा करने में भारत के सामने कोई एक चुनौती आ सकती है तो वो चुनौती होगी रूस और यूक्रेन के युद्ध पर सहमति लाने की चुनौती तो ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती आने वाली थी क्योंकि जी ट्वेंटी जो ग्रुप है उस जी ट्वेंटी ग्रुप में दो राइवल ग्रुप शामिल है इसमें सबसे पहले तो पश्चिमी देश शामिल हैं आपने सुना होगा जी सेवन के बारे में तो जी सेवन जो देश है वो मुख्य तौर पर पश्चिमी देशों डेवलप्ड कंट्रीज का एक समूह है और वो भी जी ट्वेंटी का हिस्सा है तो एक तरफ तो जी ट्वेंटी में हमें पश्चिमी देश देखने को मिलते हैं वहीं दूसरी तरफ जी ट्वेंटी में हमें गैर पश्चिमी देश यानी कि एंटी वेस्टर्न कंट्रीज भी देखने को मिलती हैं जिसमें सबसे प्रमुख कंट्री है रूस उसके बाद चाइना तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच इन दोनों समूहों के बीच किसी एक विषय पर सहमति लाना ख़ासतौर पर रूस और यूक्रेन के युद्ध पर सहमति लाना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती थी और भारत इसी लिहाज से इन्हीं दोनों के बीच सहमति लाने की वजह से भारत के लिए ये जो पूरा सम्मेलन है ये बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है क्योंकि भारत ने दोनों गुटों के बीच सहमति लाने में सफलता प्राप्त की है और इसी वजह से ये जो नई दिल्ली डिक्लेरेशन जारी किया गया है इस डिक्लेरेशन में रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर सात पैराग्राफ शामिल किए हैं जबकि अगर आप साल 2022 के बाली वाले सम्मेलन को देखेंगे तो उसमें रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर केवल दो ही पैराग्राफ्स को शामिल किया गया था तो इस तरह से इस बार हमारा जो नई दिल्ली वाला डिक्लेरेशन है उसमें रूस और यूक्रेन युद्ध को संबोधित करने के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा एक्सटेंसिव शब्दों का इस्तेमाल किया गया है अब इस पूरे डिक्लेरेशन में क्या कहा गया है इस पूरे युद्ध को लेकर उसको जानने की कोशिश करें तो अगर आप डिक्लेरेशन के उन सात पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे जो कि रूस और यूक्रेन से जुड़े हुए हैं तो उन पैराग्राफ्स में कहीं भी रूस की प्रत्यक्ष तौर पर निंदा नहीं की गई है कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि रूस ने यूक्रेन पर जो आक्रमण किया है वो पूरी तरह से गलत है इसके अलावा इसकी एक विशेष बात यह भी है कि इस पूरे इस पूरे डिक्लेरेशन में इस इन सात पैराग्राफ में कहीं भी आक्रमण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है बल्कि तो ये तो ये तो वो बात हुई कि ये रूस के फ़ायदे में किस तरह से है तो एक ये तो रूस का पक्ष हो गया वहीं दूसरी तरफ अगर आप उस डिक्लेरेशन के सात पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे तो उसमें जाहिर तौर पर जो वेस्टर्न कंट्रीज चाहती थी उसको भी शामिल किया गया है उसमें यूनाइटेड नेशन के चार्टर की बात की गई है उसमें यह कहा गया है कि सभी देशों को एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करना चाहिए जो कि वेस्टर्न कंट्रीज लगातार पिछले कुछ समय से बात कर रही है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक जो शक्ति है उसका इस्तेमाल किया भारत ने यह दर्शाया कि भारत के पास तमाम बड़ी बड़ी शक्तियों को एक साथ एक मंच पर लाने की शक्ति मौजूद है और भारत ने इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ऐसे शब्दों का चयन किया ऐसा रास्ता निकाला जिस रास्ते के माध्यम से हमने पश्चिमी देशों को भी एक मंच पर ला दिया और जो गैर पश्चिमी देश है जो कि पश्चिमी देशों का विरोध करते हैं उनको भी हमने एक ही मंच पर बैठा दिया तो भारत को भारत के लिहाज से इसी लिहाज से इस पूरे सम्मेलन को इस पूरे ऑर्गेना इस पूरे डिक्लेरेशन को भारत के लिए इतना बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है तो ये तो भारत की बड़ी उपलब्धि की बात हुई अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जी ट्वेंटी अब जी ट्वेंटी वन कैसे बन गया है तो हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि भारत लगातार पिछले कुछ समय से खुद को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ यानी कि जो द, ग्लोबल साउथ की अवधारणा है ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनके लीडर के तौर पर पेश कर रहा है लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए ये भी जान लेना ज़रूरी है कि आखिर ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है तो अगर आप टेक्स्ट बुक डेफिनेशन को देखेंगे तो दुनिया के जो भी साउथ में कंट्रीज पड़ती हैं उन्हें हम ग्लोबल साउथ के तौर पर, पर परिभाषित करते हैं हालांकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है एक्सेप्शन है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दरअसल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पढ़ते तो विश्व के साउथ दक्षिणी हिस्से में है लेकिन ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये विकसित देश हैं लेकिन ग्लोबल साउथ की परिभाषा में केवल विकासशील और अल्प विकसित देशों को शामिल किया जाता है तो ये तो ग्लोबल साउथ की डिफिनेशन की बात हुई और भारत लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को ग्लोबल साउथ की एक आवाज के तौर पर एक लीडर के तौर पर पेश कर रहा है और ग्लोबल साउथ के प्रति अपनी इन्हीं प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए भारत ने अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकन यूनियन को जी में स्थायी सदस्यता प्रदान कर दी है तो ये भारत के लिए ये अफ्रीकन यूनियन के लिहाज से भारत के लिहाज से दोनों दोनों ही दोनों के संबंधों के लिहाज से एक बड़ी बात थी तो अफ्रीकी यूनियन जो है वो एक क्षेत्रीय संगठन है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अफ्रीका के तकरीबन पचपन देशों का प्रतिनिधित्व करता है तो जाहिर तौर पर भारत ने जब इतना बड़ा कदम उठाया है तो इसकी वजह से भारत जो है वो विकासशील और अल्प विकसित देशों के यानी कि जो लीस्ट डेवलप्ड नेशन है उनके एक नेता के तौर पर उभर रहा है और जब भारत का उभार हो रहा है इस पूरे रूप में तो जाहिर तौर पर भारत चीन के लिए एक चुनौती के तौर पर भी सामने आएगा क्योंकि चीन जो है वो पिछले कई सालों से लगातार जब से चीन को ये पता चला है कि अफ्रीका में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस मौजूद हैं तब से चीन लगातार अफ्रीका को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहा है तब से चीन लगातार वहाँ पर बहुत ज़्यादा निवेश कर रहा है तो ऐसे में भारत अब प्रत्यक्ष तौर पर अफ्रीका में चीन को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है तो इससे हम भारत की शक्ति का भी पता लगा सकते हैं तो ये तो इसके विस्तार की बात हुई अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत मिडिल ईस्ट यूरोप ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये कॉरिडोर क्या है तो इस पूरे सम्मेलन के दौरान ये भी तय किया गया कि एक नए कॉरिडोर की शुरुआत की जाएगी एक नया गलियारा शुरू किया जाएगा जिस गलियारे में भारत के अलावा यूएई, सऊदी अरब यूरोपीय संघ फ्रांस इटली जर्मनी और अमेरिका शामिल होंगे तो इन देशों को मिलाकर एक नए गलियारे की शुरुआत की जाएगी अब ये जो नया गलियारा है इस गलियारे में मुख्य तौर पर रेल और शिपिंग कॉरिडोर मौजूद होंगे जिसकी जो कि ये जो पूरा ये जो पूरा गलियारा है ये गलियारा जी जो कंट्रीज़ है जिन पर हमने पहले भी बात की थी उन कंट्रीज ने एक नई शुरुआत की थी उस एक नई इनिशिएटिव शुरू किया था जिसका नाम था पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अब ये जो पूरा ये जो पूरी इनिशिएटिव था इस इनिशिएटिव को मुख्य तौर पर दुनिया के जो अल्प विकसित देश हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए शुरू किया गया था तो अब इसी पूरे इनिशिएटिव के हिस्से के तौर पर इस गलियारे की शुरुआत की जाएगी इस गलियारे से होगा क्या तो इस गलियारे के माध्यम से जिन तीन क्षेत्रों की बात हम कर रहे हैं पहला भारत हो गया इसके अलावा मिडल ईस्ट हो गया और तीसरा हो गया यूरोप इन तीनों क्षेत्रों का इंटीग्रेशन किया जाएगा इनका एकीकरण किया जाएगा इनके बीच कनेक्टिविटी में बढ़ावा दिया जाएगा इनके बीच आपस इनको आपस में जोड़ने पर जोर दिया जाएगा और इन तीनों को एक साथ मिलाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जाएगा सतत विकास पर जोर दिया जाएगा इसके अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट में न केवल रेल और शिपिंग कॉरिडोर शामिल होंगे बल्कि इस पूरे प्रोजेक्ट में बिजली केबल्स भी लगाए जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी केबल्स लगाए जाएंगे इसमें हाइड्रोजन पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी इसमें हाई स्पीड डेटा केबल्स लगाए जाएंगे तो इससे होगा ये कि इस पूरी परियोजना के माध्यम से इस पूरे कॉरिडोर के माध्यम से इन तीनों क्षेत्रों के बीच व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा इन तीनों क्षेत्रों के संबंधों में भी सुधार होने वाला है लेकिन यहाँ सबसे विशेष बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को हम चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के काउंटर के तौर पर देख सकते हैं अब चाइना का ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इस इनिशिएटिव को मुख्य तौर पर चीन दुनिया के तमाम क्षेत्रों को एक लिंक के माध्यम से जोड़ने की कोशिश कर रहा है एक रोड लिंक के माध्यम से या फिर हाईवे या फिर रोडवेज के या फिर वाटरवेज के माध्यम से जोड़ने की कोशिश कर रहा है तो जाहिर तौर पर कई बार चीन पर यह आरोप भी लगते हैं कि चीन इस प्रोजेक्ट की वजह से दुनिया के छोटे छोटे देशों को अपने डेट ट्रैप में फंसा रहा है ऋण जाल में फंसा रहा है इसका जो सब इसके जो सबसे क्लासिक उदाहरण है वो पाकिस्तान और श्रीलंका है तो ऐसा कहा जा रहा है कि दुनिया के छोटे छोटे देशों को चीन के चंगुल से बचाने के लिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो ये तो हमने इस गलियारे की बात की अब अन्य जो दूसरी प्रमुख बिंदु हैं उन पर भी बात कर लेते हैं इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु रहा वो खाद्य सुरक्षा को लेकर रहा फूड सिक्योरिटी को लेकर रहा हम पहले ही जानते हैं कि जब से रूस और यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत हुई है तब से दुनिया में खाद्य की जो आपूर्ति है वो भी प्रभावित हुई है क्योंकि यूक्रेन जो था वो दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी था तो जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से उसकी आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ा है तो ऐसे में इस पूरी डिक्लेरेशन में रूस और यूक्रेन दोनों से ही ये आग्रह किया गया है दोनों को ये ये कहा गया है कि ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अनाज खाद्य पदार्थों और उर्वरक इस तरह के जो दूसरे इनपुट हैं उनकी डिलीवरी को जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें ताकि दुनिया में इनकी आपूर्ति में जो कमी आ रही है उस कमी को पूरा किया जा सके इसके अलावा दुनिया इसके अलावा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उनसे ये भी कहा गया है कि आप ये भी सुनिश्चित करें कि एक दूसरे के देश में जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है खासतौर पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कोई भी नुकसान ना पहुंचे उस पर कोई भी हमला न किया जाए ताकि दुनिया में खाद्य और ऊर्जा की आपूर्ति को बनाए रखा जा सके इसके अलावा जलवायु परिवर्तन को लेकर क्या कहा गया है तो जलवायु परिवर्तन को लेकर कमिटमेंट्स की गई हैं जो कि हर बार की जाती हैं इसमें एक कमिटमेंट ये भी है कि दुनिया में कोयले से जो बिजली बनती है उसको चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए और ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत है प्रयासों को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है इसके अलावा इसी कमिटमेंट के हिस्से के तौर पर यह भी कहा गया है कि दुनिया के जो विकसित जो अल, अल्प विकसित देश हैं जो लीस्ट डेवलप्ड नेशन हैं उनको स्वच्छ ऊर्जा की तरफ ट्रांजिट करने के लिए या फिर निम्न कार्बन की तरफ जाने के लिए लो कार्बन की तरफ जाने के लिए जिन जिस जितने पैसों की ज़रूरत है विकसित देश उतना पैसा प्रदान करेंगे हालांकि जलवायु परिवर्तन को लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जितनी भी प्रतिबद्धताएं जाहिर की जाती हैं उन प्रतिबद्धताओं में से बहुत कम ही होती हैं जो पूरी हो पाती हैं कोई भी देश खासतौर पर जो विकसित देश हैं वो अभी तक फाइनेंस को लेकर अभी तक जो एनवायरमेंट फाइनेंस है उसको लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा उन्होंने नहीं किया है तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई कि, कि किन किन बिंदुओं पर बात की गई हमने तमाम जो नई दिल्ली डिक्लेरेशन रही उसमें जिन जिन तमाम बड़े प्रमुख बिंदुओं की बात की गई थी हमने उन बिंदुओं को समझने की कोशिश की अवंत में एक सवाल पर भी बात हो जाए सवाल जो है वो प्रिलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं हमारा सवाल है कि भारत के बाद किस देश को जी की अध्यक्षता यानी कि प्रेसिडेंसी प्राप्त हुई है हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडोनेशिया ऑप्शन बी अमेरिका ऑप्शन सी ब्राज़ील ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 2024 के लिए जी की प्रेसिडेंसी किसके पास है मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पी चाहते हैं तो इसकी पी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद